बारिशों का मौसम है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, क्या बात, इनकी शादियां हो चुकी हैं वो इन हाउस एंजॉय कर रहे हैं, इनकी नहीं हुई वो आउटडोर एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही बारिश होती है ना, आजकल के लड़के लड़कियां ना फिल्मों को देख के बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को बिठा के ना बाइक पे बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, वो ये भूल जाते हैं कि जो वो फिल्मों में देखते हैं हीरोइन, उनका तो मेकअप जो होता है वाटरप्रूफ होता है, इधर लगा रहता है। हमारे जैसे घर परिवार की लड़कियां बेचारा सस्ता मेकअप थोप लेती हैं, फिर बाइक पे बैठ के जाती ना जैसे ही, तो फिर लिपस्टिक जो है इधर फैल के दांतों पे आ जाती है और काजल सारा लीक होके गालों पे, खुद ही लड़का डर जाता है देख के, हाय मम्मी इसको तो मैं बिठा के नहीं लाया था। अच्छा, शादी से पहले और शादी के बाद बरसात के मायने बदल जाते हैं। शादी से पहले लड़का लड़की जो एक ही छोटा सा छाता लेके ना लवी डोंग इंजार प्यार हुआ प्यार हुआ। अच्छा, वही आदमी जो एक ही छाते के नीचे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है, शादी के बाद देखना आप प्लास्टिक की पॉलीथीन की थैली लगा के ना लुंगी को 1.5 फीट ऊपर उठा के दूध लेने जा रहा होता है वही आदमी, तब उसको बरसात अच्छी नहीं लगती, ऊपर से चप्पल पहनी वो भी कीचड़ में फंस जाती कभी कभी ना, एक पांव भारी हो जाता है, गालियां देते जाता है, बेड़ा घर कभी होनी थी बारिश। बरसात के मायने बड़े बदल जाते हैं, विदेशों में देख लो आप बरसात होती है ना, लोग सबसे पहले रेनकोट ढूंढते फोन, ओह रेनकोट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड, हमारे लोग मोमबत्ती ढूंढ लो, उनको पता है कि 20 मिनट बारिश हुई ना तो 2 घंटे लाइट जाएगी। अच्छा, मुंबई में तो बरसात होती रहती है, यहाँ के लोगों को आदत है, सबके पास अपना अपना छाता होता है। अच्छा, लड़कियों के पास बड़े अच्छे अच्छे छाते होते हैं मैचिंग, पर्पल येलो पिंक है ना, वो खुलते भी इतना छोटा सा ही होता है, उतना सा ही कवर करता है जितनी लड़की, बाकी इधर उधर सब बिकता है। अच्छा, वो 3 स्टेप में खुलता है, पहले बटन से क्रिच उड़िच ऐसे वाला जाता है, नहीं तो आप पुराने छाते देख लो, इतने ढीठ पुराने छाते खुलते नहीं, उसको खोलो ना तो फिर वापस आ जाता, फिर खोलो 3-4 बार में उंगली भी आ जाती कभी कभी। अच्छा, जब से ये सब सोशल नेटवर्किंग शुरू हुआ ना, मतलब लोगों ने तो हद ही कर दी है, थोड़ी सी बारिश हुई ना लड़कियां सबसे पहले अपने फेसबुक पे फोटो डालती हैं, इट्स ड्रिजलिंग हैविंग चिल इन मुंबई इज फर्स्ट रेन। अच्छा, नीचे कमेंट भी बड़े अच्छे अच्छे आते लड़कियों को, काश हम भी आपके साथ होते। अच्छा, कुछ लड़के मेरे जैसे जिनको कोई लेना शक्ल देखना पसंद नहीं करता कोई, खुद ही लाइव आ जाते हैं, वो भी ऐसे डालते ना बरसात हो रही है रिमझिम रिमझिम, नीचे कमेंट आते साबुन रगड़ के नहा ले। अच्छा, इंसान जब बारिश में भीग जाता है बड़े नाटक होते हैं उसके, घर आएगा पहले तो तौलिए से पहुंचा, फिर ड्रायर से, फिर चाय भी बनवा लेगा, जानवरों को एकदम सही, कुत्ते को देखा आपने भीगे हुए कभी, कोई टेंशन नहीं लेता, वो हुच करके ना 70% पानी निकाल देता है, बाकी 30% दौड़ के सुखा लेता है वो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका। अच्छा, शादी किसी वक्त तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अगर शादी के वक्त बरसात हो जाए फिर बड़ी चिड़ चढ़ती है, स्पेशली जब लोग खाना खा रहे हैं आउटडोर मैरिज हो ना, तो लोगों की प्लेट में पानी गिरने लगता है, फिर लोग चपाती पकड़ के ना यूं पानी एक उंगली से रसगुल्ला रोकते हैं, फिर पानी झाड़ के बेचारे औरतें क्या करती, कभी कभी प्लेट ऐसे करके सर ऊपर करके ऐसे टेढ़ा खाने लगती हैं, फिर सडनली उनको पता चलता है जब माथे का सिंदूर फैल के दही बड़े पे गिरता है ना, फिर वो हैरान होती है कि दही बड़ा तो सफेद था कि लाल कैसे हो गया। अच्छा, बारिश में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। अच्छा, पेंट शर्ट तो गीली हो जाए, चलो भाई का पहन लिया, पिताजी का पहन लिया, मेन बात जाके अटकती कच्छे पे। अच्छा, आम आदमी के पास ले दे के दो ही होते हैं, एक तो पहले बारिश की वजह से सूख नहीं रहा है, दूसरा वो पहन के बाहर गया था वो भी गीला हो गया। अब ऐसे में आदमी तौलिया पहन के ना कच्छे को लिटा के प्रेस से सुखाता है। अच्छा, गीले गीले कच्छे प्रेस रखो ना तो एकदम से भाप छोड़ता है वो, फिर आप देखना प्रेस का निशान भी ऐसे तिकोन छप जाता है उस पर पूरा, फिर भी नहीं सूखता, फिर आदमी को जैसे तैसे वही पहनना पड़ता है, फिर उसको कहीं कहीं से गर्म कहीं कहीं से ठंडा लगता है। ये अपना दिनेश है ना, इसके पास 2 ही हैं, तो दोनों कहीं गीले हो ना तो इसने एक इलास्टिक रखी हुई है, उसको ऊपर से ऐसे पहन लेता है, थोड़ी थोड़ी दिखती रहती ना, कहता लोगों को लगना चाहिए कुछ पहना है, बाकी अंदर का किसको पता है। अच्छा, कुछ लोग बारिश बड़ी इंजॉय करते हैं, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहूंगा बारिश किन को अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है, और जो भी आप अपने विचार रखना चाहें। जी भाई साहब, हम लोग दुबई से स्पेशल आपका शो देखने आए हैं। अच्छा जी, मैं और मेरी डॉटर, बहुत बहुत स्वागत है सर। हेलो एवरीवन। हेलो बेटा, हाउ आर यू? मम्मी को लेके आए पापा? नहीं, मम्मी को नहीं लेके आए। क्यों? वो अभी न्यू बॉर्न बेबी है तो उनके साथ है। अच्छा अच्छा, ओके चलिए। अच्छा, मैं पिछले 12 साल से दुबई में ही सेटल हूँ। अच्छा जी, तो वहाँ मुश्किल से 1 या 2 दिन साल में बारिश आती है। अच्छा जी, जैसे ईद
ईद आने के लिए चांद का इंतजार करना पड़ता है, वहाँ बारिश का इंतजार करना पड़ता है। अच्छा, तो जिस दिन बारिश आ जाए मतलब फेस्टिवल हो गया अपना। अच्छा, फिर क्या करते हैं दुबई में आप? तो दुबई में मैं सर्विस करता हूँ, तो उस दिन ऑफिस की भी छुट्टी हो जाती है और फिर शाम को बस घर पे जाके गर्मा गर्म पकौड़े बालकनी में बैठ के खाओ, मजा ही अलग है उसका। तो दुबई में भी पकौड़े खाते हैं आप? हाँ जी, मुझे लगा दुबई में कुछ अलग चीज बनती होगी। नहीं नहीं, पकौड़े ही बनते उधर भी। पर सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, बारिश में पकौड़े क्यों खाते वैसे? बारिश गीला गीले गीले गरम गरम पकौड़े, गीले गीले गरम गरम पकौड़े। बाहर गीला गीला, ठंडा ठंडा, अंदर गरम गरम। काफी स्वाद लेते हैं आप लाइफ के। बाहर गीला गीला, अंदर गरम गरम, अच्छी बात है। गरम कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छी बात। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे शो में आए, बहुत थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। अच्छा, टाई बड़ी लगा के आए आप, एडवोकेट हैं आप? नो सर। हाँ जी, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा जी, तो सर अपना जैसा बारिश तो इसी वजह से बिल्कुल पसंद नहीं है। किस वजह से? दिन भर घूमना रहता है, 10 लोग 12 लोग से मिलना रहता है जी। ये जब बारिश होती है तो पानी यहाँ से गिरता है, भले रेनकोट पहने रहो, यहाँ से भीगते भीगते कहाँ तक नीचे तक चला जाता है पानी। हाँ। कुछ पता नहीं चलता। फिर जब किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो पता नहीं ध्यान वहाँ लगाए उसको कुछ बताए, या ध्यान यहाँ लगाए किसको एडजस्ट करे। ये तो है। फिर बारिश में तो आपका सीजन भी तो बढ़ जाता है ना, बारिश में लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़े बीमार भी हो जाते हैं मौसम बदलने की वजह से, तो दवाइयाँ ज्यादा तो बिकती होंगी वैसे? नहीं, दवाइयाँ तो ज्यादा बिकती, इसलिए तो ज्यादा काम करना पड़ता है ना सर। अच्छा जी, अभी आज डायरेक्ट काम करके यहीं पे आ रहे, अभी तक घर भी नहीं गए। अच्छा, शादीशुदा हैं आप? नहीं सर। तो फिर क्या करना घर जाके बारिश में? बैठो इधर एंजॉय करो। नहीं, शादी तो करनी नहीं ना। क्यों नहीं करनी सर? ऐसे क्यों? ना बारिश पसंद ना शादी पसंद। क्या ऐसा रीजन है, क्यों आप शादी से नाराज हो गए वैसे? करना चाहता था सर। तो फिर बस। अरे जला हुआ बंदा, जला आज बता दो फिर, आज दिल खोल दो, आज जला फुका। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? सर जिससे करना चाहता था नहीं मिली, उसे कोई और मिल गया, तो इसमें बारिश का क्या कसूर है? नहीं, पर दुनिया में एक ही थोड़ी ना लड़की, और भी तो बनी होगी आपके लिए कोई ना कोई। होती है फीलिंग्स, होती है, नहीं मिलती है सर। फीलिंग्स होती है ना? होती है सर। दिल आ गया तो आ गया। नहीं वो तो ठीक है, पर ऐसे थोड़ी ना कि सारी उम्र निकल जाएगी, कुछ ना कुछ तो होगा, मन में पसंद आएगी। है ना सर, फैमिली है, भैया है, भाभी है। नहीं, भैया के पास तो अपनी भाभी है ना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज क्या हुआ? क्या हुआ, तेरी फोटो पे 3 लाइक्स आ गए? अरे नहीं यार, वो सुबह से ना छत पे कौवा काउ काउ कर रहा है। तो कौवा काउ काउ करेगा और हमा हमा करेगा कौवा? एक कुछ भी बोलती तू। अरे नहीं, कौवा जब काउ काउ करता है इसका मतलब कि किसी चाहने वाले से मुलाकात होने वाली है। हो सकता है वही कौवा तुम्हारा चाहने वाला हो। अरे नहीं, जब कौवा काउ काउ करता है मतलब कोई मेहमान आने वाला है। अरे वो मेहमानों को साइन दे रहा होगा, इनके घर में मत आना, इनके कुछ नहीं मिलता है। जाओ यार कपू, आज के बाद ना मैं तुमसे मुखातिब नहीं होंगी। क्या नहीं होगी? तुम्हें मुखातिब नहीं पता? कल उर्दू वाले शायर आए थे ना राहत इंदौरी साहब, इसने पक्का उनकी डायरी चुराई है, उर्दू चोर कहीं की। मुझे लगता है कि कौवे से ज्यादा काउ काउ तो तुम कर रहे हो। और वैसे भी मैं खुशखबरी देने आई थी, और ये शगुन माना जाता है कि जब कौवा काउ काउ करता है मतलब कोई आने वाला है। तो तू मिलती रहे, मेरा क्यों टाइम वेस्ट करने आ गई? कौवा काउ काउ कर रहा है, चल मैंने नहीं आना। अरे तुम जागा ना, रुको। अरे मुझे नहीं मिलना किससे। शो आएगा आप भारती,
तेरे से पहले ये शो जानदार था, आज शानदार और वजनदार हो गया है। आप कौन? Excuse me. मुझे नहीं बचाना, आप किसी ने नहीं बचाना होगा, क्योंकि जब मैं डांस करते आ रही थी ना, सबने कहा होगा आलिया भट्ट कहाँ से आ गई। मैं पता नहीं मतलब क्यों मैं इतनी क्यूट हूँ। मुझे नहीं बचाना। इतनी भी कोई जोर से नहीं बची केतली। ये बड़ी जोर से चुभी जाए। एक मिनट, मेरे को नहीं बचाना? नहीं, तेरी माँ की कजन हूँ मैं। करोल बाग, न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। ओके, केजरीवाल। आज इतनी सी थी, पैदा हुई थी मोबाइल से 2 इंच छोटी। आज सच्ची कहूँ, दिल पे हाथ रख के कहती हूँ, उम्मीद ही नहीं थी कि लड़की घुटनों से ऊपर जाएगी। एक मिनट, न्यू फोन। हाँ निम्मो, हाँ हाँ बम्बे आई है। नहीं नहीं, तू पीछे से काम संभालना, करोल बाग वाला रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। हाँ तो मॉडल लड़की चाहिए मर जाने को, तो रुचि की फोटो भेज दे। हाँ हाँ, जो सभ्याचारक ग्रुप में आगे नाचती है। हाँ कोई बात नहीं, लड़की शादीशुदा तो क्या हुआ, फेरों में चेंज कर देंगे। हाँ हाँ, होटल वाले भी तो वैरायटी चेंज कर देते, फलूदा क्या क्या फ्रूट क्रीम दे देते हैं। चल ठीक है, मर पर जा गया, मर जा तू रख। मर्चा बोल पे, क्या कह रही थी? आप लोगों को ऐसी धोखा देती है, शर्म नहीं आती आपको? देख बेटा, अगर तेरे रिश्ते की बात हो रही हो और मैं बोल दूं लड़की 4 फुटिया है, होंठ फैले हुए है, आड़ू जैसा मुंह है। हाँ आंटी जी, ओके बस ठीक है। क्या कहा तूने अभी बेटा? आंटी जी ओके। अच्छा लाल मिर्च कैसी लगती है तेरे को बता? तीखी। पता? तीखी। तीखी। वैसे ही आंटी वर्ड ना मेरे को तीखा लगता है। क्या पुकारूं आपको? छुटकी, गुड़िया, बेबी, लाडो, दीदी। चल ठीक है। दीदी आपने अपना नाम नहीं बताया। बबली। अच्छा ठीक है, और वैसे भी जो भी है आपको मेरे रिश्ते की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए लड़का ऑलरेडी देख लिया है, मैं आपसे मिलवा देती हूँ। कप्पू। कुल्फी वाला कोई कप्पू कौन है? नहीं, मैं उसे प्यार से कप्पू बुलाती हूँ। कप्पू, कप्पू। क्या है? क्या है? ये कौन है वाटर कूलर कपड़े पहन के घूम रहा है? ये मेरी माँ। कप्पू। शो की बहुत बड़ी फैन हूँ पाजी, ये बंदे के कारण मेरा पेट साफ होता है, आपको पता है? ये शो मैं देखती हूँ 9 बजे, फिर रात 1:30 बजे, फिर 4:30 बजे, उसके बाद पेट खाली करके सोती हूँ। एक मिनट कपल जी, एक सेल्फी ले लूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कसम खाओ। हाँ बिल्कुल। आए ओए। चिलिंग विद कपिल शर्मा शो, कपिल इज बिगेस्ट फैन मेरा। कौन कह रहे कि मैं नहीं कर रही जे शो? कर रही हूं ट्वीट। एक मिनट पाजी, ओ कि ना आप बोलते ना वो सफाई ध्यान रखा है, सारी ऐडा एक साथ कर देता ये बंदा। एक बार दोबारा बोल दो जरा। गुड इवनिंग। एक मिनट मैं वीडियो बनाती हूँ। हाँ अभी बोलो पाजी। हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। दोबारा बोलूं? हेलो एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। तो बाजी मुझे पहले वाला भी ठीक नहीं लगा था। अब मुझे फोन दे दो। वो तो मेहमानों को देते हैं हम। तो पाजी मैं कौन सा आपको इडली देने आई थी, गेस्ट हूँ मैं भी। दो ना बाजी। आप फोन का क्या करेंगी? पाजी आपको मिलता है फ्री, मैं बाहर जाके 10,000 का बेचूंगी, 100 रुपए आपको दूंगी, आपका भी पान का खर्चा निकल आऊंगा।
पाजी बहुत पाजी बहुत जाए कौन है ये गुरिल्ले जैसी हमने तो आज तक सिद्धू जी को भी फोन नहीं दिया क्यों पाजी उनको फोन क्यों नहीं दिया क्यों मतलब हम मेहमान थोड़ी वो खैर चलो छोड़ो नहीं देना फोन कंजूस एक नंबर का पाजी प्लीज पाजी कुछ चुभेगा तो नहीं ना वो सब तो ठीक है ये है कौन ये बेटा अरे ये कब तुम इधर आओ ये मेरे रिश्ते की बात कर रही थी तो मैंने इनसे कह दिया कि मैंने ऑलरेडी लड़का नो डिसाइड कर लिया कि ये है लड़का देखो पाजी लड़का तो देखते सारे मैंने टेस्ट कर लिया पेट भर गया वाह कमाल का लड़का है कप्पू सिद्धू जी हाँ जी आपने पहचाना मुझे पहचाना तुमने पहचाना मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा है बेटा तुमने तो कभी बादाम भी नहीं देखे हाँ पाजी इतनी सी होती थी पार्टी फ्राक पाई होनी नाक वगदा होना पाजी इसका हमारे घर में गेस्ट आने इसने ऐसे मुठियां भर लेनी बादामों की एक बार तो पाजी मुंह में बादाम भर के कर दी मैंने कहा बेटा बोलो करती मैंने कहा क्या हुआ करती मुझे लगा इसकी दाढ़ दुखती होगी पाजी खांसी आई फुर्र करके बादाम उधर पकड़ी गई अभी भी नहीं पहचाना याद कर जब एक रुपए का सिक्का निकल गई थी हाँ कितने मुक्के खाए थे मैंने इसके बाप को ऐसी सुनाई ना पाजी फिर कहा उसने 50 पैसे दिए बात रफा दफा की अभी भी नहीं पहचाना जब मैं लॉलीपॉप चूस रही थी मैंने ऐसे कूड़े में फेंक दिया पाजी बिल्ली से ज्यादा लंबी छलांग मार के कूड़े से लॉलीपॉप निकाल लिया अभी भी नहीं पहचाना पहचान गई मैं दीदी पहचान गई तेरे ऐसे रिश्तेदार आते ना तो मेरे को पहले बता दिया कर ताकि हम कहीं दूर चले जाएं दूर चले जाएं खिड़कियों से देखे पाजी मैं हुई इतनी हॉट कप्पू मुझे अकेला छोड़ के मत जा कप्पू हाँ तुम बारात ले जाओ उसके साथ कप्पू पप्पू हटे तेरे वैसे काफी अच्छे लग रहे हो शेरी शेरी को मैं उस वक्त से जानती हूँ जब करोलबाग में रैली में आए थे फर्स्ट टाइम मैंने हाथ मिलाने के लिए गाड़ी में अंदर हाथ किया और शीशा चढ़ा लिया नोएडा तक ऐसे ऐसे पीछे भाग के गई थी मैं इनके क्योंकि बंदा प्यार बहुत करता अगर नहीं करता तो शीशा खोल देता तो आप सच में पाजी को जानती है पहले से बेटा पाजी तो अर्घ हो गए मेरे तो बाबू है शेरी एक्चुअली इन्होंने मेरे कारण ही सरकार ज्वाइन की है हा? मैंने इनको एक बार कहा था शेरी इन्होंने यही वाली पार्टी ज्वाइन कर ली ओह माय गॉड हेलो हेलो हाँ निमो एक लड़का और चाहिए एक मिनट गिटार वाले क्या नाम है तुम्हारा दिनेश दिनेश हाँ हाँ निमो लड़का है दीनू नाम है उसका एक मिनट कितना कमाते हो 40,000 4,00,000 अरे 40,000 हाँ हाँ 4,00,000 अरे मासी 40,000 नहीं नहीं ट्रेन में उन्होंने मंगती बोल रही है हाँ या, या। नहीं नहीं इधर बॉम्बे में बड़ा रिलेशन बनाते हैं मालिक लोग को ऐसे मासी मासी बोल देते हैं हाँ हाँ नहीं नहीं हैंडसम है लड़का हाँ चल ठीक है मैं देखती हूँ आप ऐसे कैसे झूठ बोल रही थी आपको शर्म नहीं आ रही बेटा टॉयलेट और धंधे में बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए पाजी जहाँ आ जाए कर दो आप कौन हैं? मेरे को नहीं पहचाना नहीं बेटा मैं वो जिसे तुम आज तक नहीं मिले अच्छा चंदू ये मेरी दूर की दीदी हैं। अच्छा क्या नाम है इनका बबली बबली ये तो मेरे को कोई बुलबुला लग रही है ये दूर की बबली हैं तो ऐसी हैं पास की होती तो ऐसी की तैसी होती बेटा इधर आ हाँ जी ऐसे कर एक बात बताऊं मेरी बात क्या नाम था तुम्हारा चंदू वाह बेटा तुम इतने प्यारे हो तुमको पता तुम्हारी तारीफ होगी कैसे जब 110 किलो का भार तुम्हारी पीठ पे पड़ेगा ना फिर लोग कहेंगे वाह
चंदू कितना अच्छा आदमी था जो 110 किलो का वेट लेके भी 3 मिनट जिंदा रहा। वैसे दीदी ये चंदू चाय वाला है। लेकिन एक बात बोलूं बेटा, जैसा मर्जी है तू, तेरी शादी हो गई है? शादी के नाम पर बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो दूर हो गई है। लेकिन हाँ जी, अब मोहल्ले में बबली आ गई है, तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगा दूंगी मैं। रिश्तों की लाइन रहने तो, बस इसको थोड़ा लाइन पे ले आओ, क्योंकि ये मेरे को थोड़ी अच्छी लगने लगी है। हाँ, और मुझे भी ना थोड़ी थोड़ी पुलिस को बुलाने की आदत हो गई है। या है पाजी, मेरी फीलिंग्स हैं जीएसटी, जो इसको समझ नहीं आ रहा। ए, बबली तुम कुछ करो ना प्लीज। एक मिनट, तालियों में सुना ही मैंने क्या कहा? बबली इधर हो बतक। क्या बबली? तालियां। हाँ। दिन में 2-3 बार मेरे को चाय मिलेगी। हाँ। थोड़े दिनों बाद ये लड़की तेरे को मिलेगी। बस ठीक है, फिर आज के बाद आपकी रगों में खून नहीं, मेरी चाय दौड़ेगी। मैं जाकर चाय की तैयारी करता हूँ। सरला, तुम जाकर विदाई की तैयारी करो। विदाई होगी, लेकिन मेरी नहीं, तेरी चंदू, इस सोसाइटी से। बबली क्या कह रही है? अरे ना बेटा, जैसा तेरा मुंह, तेरे को कोई गुड़ ना ऑफर करे या तो फिर भी खीर जैसा लड़का है। सुन लिया, मैं चाय की तैयारी करता हूँ। क्या बेटा? अभी आया, अभी रुको जरा। ये क्या है ये जनरेटर को कपड़े किसने पहना दिए? क्या ये? तुमसे छोटे तो हाथी होते हैं। एक मिनट, आप लोग लड़िए मत, आप लोग लड़िए मत। दीदी ये बम्पर है हमारे हॉस्पिटल में, नर्स, और ये दीदी है। नर्स आई तो मुझे लगा ड्रम है। ये क्या है, क्या ये चीजें करती क्या है? करोल बाग में रिश्ते करवाती हूँ। लेकिन आप रिश्ते कराती है तो इसके मम्मी पापा को कोई अच्छा सा रिश्ता करवाती ना, कम से कम रिजल्ट तो अच्छा आता। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट करने दे। ऐसे क्यों बोला हाँ कि रिजल्ट तो अच्छा? चलो कोई बात नहीं, अगर आप रिश्ते कराती है ना तो मेरा भी एक अच्छा सा रिश्ता करवा दीजिए। चलिए। मैंने देख लिया, आते ही मैंने मैसेज किया तुम्हारे लिए, अच्छा सा सेहतमंद ना पेंगुइन देखा मैंने। मजा आएगा, वहां से तुम आओगी जयमाला लेके चोटी लाके, इधर से पेंगुइन। सो फनी वुमन। मैंने ना आपके लिए एक अच्छा सा ऑटो देखा है, आप जाएंगी या उसके नीचे आएंगी? सरला, इतनी दूर से तुम्हारी मौसी पहली बार आई, इनको बाहर लेके जाओ, इनको किसी ट्रक के नीचे दो, इधर क्यों खड़े हो? गर्मी में ना कोई चाय पानी, हट इधर। कप्पू उधर देखो सामने, ऐसे रहना, और कोनी थोड़ी ऐसे करो, ये खुरको हो रही थी। चलो चलो फटाफट अंदर निकलो, हमारे मेहमान आ रहे, चलो लेके जाओ इनको अंदर। चलो चलो हो गया, निकलो। एक मिनट सरला, ऐसे लड़के करोल बाग में हो ना पाजी, मैं 10-15 बारी शादी करवा दूं। नहीं नहीं, सिर्फ मुझे करनी है ऐसे शादी। क्यों क्यों उसकी लाइफ खराब करूं मैं? वाह, बात बताइए, आप इतना लंबा लंबा छोड़ती है, हमारी सोसाइटी क्यों नहीं छोड़ देती? How funny यार, इतनी बारी किया हमको दिया नहीं, अकेली खा गई हूँ। चल ठीक है, जाती हूँ मैं। सरला, तुझे मटर वाले चावल पसंद है? हाँ। खीर पसंद है? जा, तू भी क्या याद रखेगी, आज तेरे को मौका देती हूँ मैं, बना मेरे लिए। चल मार, किधर जाना है? चलिए। किधर? चलिए। माचा तो चल चल, आई बड़ी।